Hello. एजुकेटर एंड आई वेलकम फेवरेट चैनल में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में जानेंगे कि जब एक क्लाइंट को किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट कर पाते हैं? ताकि हम उसको एक ट्रीटमेंट एक थेरेपी प्रोवाइड कर सके उसकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने में हमने हमारे किया था डिटेल में उसको जाना था नेक्स्ट हमने कहा कि देखो उसमें हमने ये एक चीज डिस्कस करी थी कि सबसे पहला काम जो होता है थेरेपी में वो ये होता है कि उसकी प्रॉब्लम का कॉज क्या है हमको रीजन जानना है अगर किसी को किसी तरह की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है कारण क्या है ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब उस प्रॉब्लम को जानने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कैसे जानोगे कि उसकी कारण क्या है प्रॉब्लम का अब मान लो वो अगर खुद से नहीं बता रहा है तो आपको पता तो करना पड़ेगा जैसे जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो आप डॉक्टर को बताते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है तब वो उसका सोल्यूशन देता है मान लो आप डॉक्टर को बताओ ही ना कि क्या प्रॉब्लम है तो वो कैसे सोल्यूशन देगा बट फिर भी एक डॉक्टर का, का काम होता है सोल्यूशन देना तो वो खुद से कोशिश करता है आपकी प्रॉब्लम को समझने के बारे में ठीक है तो वो कैसे होता है एक थेरेपिस्ट कैसे करता है साइकोलॉजी में ये हमको यहाँ पर जानना है आई so, आप रेडी हो ये आपको जो टॉपिक है ये अलग से नहीं दिया प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन देराप्यूटिक मॉडल बींग यूज फॉर ट्रीटमेंट द क्लिनिकल फॉर्मुलेशन हैज देखो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना हमारे क्लाइंट के लिए थेराप्यूटिक मॉडल में ताकि हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें ट्रीटमेंट दे सकें दैट इज क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का मतलब टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम ऑफ अ क्लाइंट सो दैट वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू हिम और हर रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम ठीक है तो इसमें एक थेराप्यूटिक मॉडल की जो है बात हो रही है अब क्लिनिकल फार्मुलेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कैसे होता है ये यही जानो तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम द थेरेपिस्ट इज एबल टू अंडरस्टैंड द फुल इम्प्लिकेशन ऑफ द डिस्ट्रेस बीइंग एक्सपीरियंस बाय द क्लाइंट सबसे पहली चीज इस क्लिनिकल फार्मुलेशन के थ्रू यानी कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट जब हम करते हैं जब समझ जाते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि उसको क्या एक चीज वो एक्सपीरियंस कर रहा है किस तरह का डिस्ट्रेस है ताकि हम उसका सोल्यूशन उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी मैं आपको एक ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक पेशेंट है एक्स इज द पेशेंट ए इज द थेरेपिस्ट अब एक्स नहीं बता रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है ठीक है मान लो ये डॉक्टर है मान लो ये डॉक्टर है ठीक है अभी ये थेरेपिस्ट नहीं है ये डॉक्टर है अब एक्स नहीं बता रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है या मान लो वो नहीं बोल पा रहा अनेबल है अपनी प्रॉब्लम को बताने में पर डॉक्टर का तो काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना तो डॉक्टर इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा जब वो इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा तब ही वो बता सकता है कि क्या ट्रीटमेंट मैं इसको प्रोवाइड करूं ठीक है अब मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल की डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो पेशेंट है मेरा इसको क्या मान लेते हैं कैंसर है ठीक है मान लेते हैं कि इसको कैंसर है डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको कैंसर है तो अब कैंसर है तो हमको पता है कि फिर हमको कौन कौन से एरियाज टारगेट करने हैं है ना कहाँ पर हमको कौन सा मतलब कौन सा इंजेक्शन यूज करूँ कहाँ पर बॉडी में उसको जो है दवाइयों का असर होना चाहिए मेडिसिन अफेक्ट करे ताकि उसका जो भी प्रॉब्लम है वो उसको रिजोल्व करवा सके ठीक है सो so, कौन से एरियाज टारगेट करने ये हमको पता चल जाता है द थोरेटिकल फॉर्मुलेशन सॉरी the theoretical formulation clearly identifies the problem areas to be targeted for therapy तो the theoretical formulation करके या clinical formulation करके हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा area target करना है Does if a client seeks help for inability to hold a job and reports inability to face superiors, the clinical formulation in behavior therapy would state it as lack of assertiveness skills and anxiety इसका मतलब ये है therapy में कैसे इसको समझा जाता है जैसे मान लो किसी को बिहेवियर रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो कौन सी थेरेपी यूज करेंगे जल्दी से बताओ बिहेवियर रिलेटेड कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा फॉल्टी बिहेवियर है तो ऑब्वियसली बिहेवियर थेरेपी यूज की जाएगी अब बिहेवियर थेरेपी में डॉक्टर क्या करेगा पहले समझेगा उसकी प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम मान लो ये था कि उस पर्सन को <clears throat> जॉब में बड़ी दिक्कत आ रही थी उसके जो सीनियर्स थे वो उनके साथ में बिल्कुल भी जो है मतलब उनको फेस नहीं कर पा रहा था उसको अब वो जॉब करनी नहीं थी आगे उसको ऐसा था कि भाई ये मेरे सीनियर जो हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानते हैं या इनका मेरे साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर उसका क्लिनिकल फॉर्मुलेशन जो होगा उसकी प्रॉब्लम को समझ के थेरेपिस्ट जो बताएगा वो ये बोलेगा कि इसके अंदर इस क्लाइंट के अंदर लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल्स एंड एंग्जाइटी है ये असर्ट uh, नहीं कर पाता है कोई इसको किसी तरह की कोई बात बोलता है तो उसको सुन नहीं पाता है. इसके अंदर एक काइंड ऑफ डिफाइंड बिहेवियर है डिसोबिडियंस है uh, या उसको डिसोबिडियंस तो नहीं बोलेंगे पर ये शायद किसी के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो लैक ऑफ असर्टिवनेस है ठीक है असर्टिवनेस हम पहले पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस लेक्चर्स में तो लैक ऑफ असर्टिवनेस है जिसकी वजह से इसको एंगजाइटी भी हो रही है तो डॉक्टर जो है वो आपके मेन प्रॉब्लम पर पहुंच पाता है मतलब सॉरी थेरेपिस्ट जो है जैसे जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो आप उसको बोलते हो कि मेरे को बुखार हो रहा है मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है मेरे को चक्कर आ रहा है तो डॉक्टर बोलता है अच्छा अच्छा तुमको जॉइंटिस हुआ है एक एग्जाम्पल दे रही हूँ डॉक्टर बोलता है अच्छा तुमको जॉइंटिस हुआ है क्लियर आया समझ में तो यहां पर सेम चीज होगी कि थेरेपिस्ट जो आपकी मेजर प्रॉब्लम को समझ के टारगेट एरिया बता पाएगा द टारगेट एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इनएबिलिटी टू असर्ट वन सेल्फ एंड हाइटेंड एंगजाइटी तो जो टारगेट एरियाज होते हैं उनको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं इट इज़ दी मतलब हैज बीन आइडेंटिफाइड एज कि इन एबिलिटी टू असर्ट वाइटन एंजाइटी मतलब वो जो है असर्ट नहीं कर पा रहा और साथ ही साथ में एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा है तो अब हमने पता कर लिया कि अच्छा है, इसको ये प्रॉब्लम है और इस तरह से टारगेट करना है तो हमने कहा ट्रीटमेंट क्या दें फिर अब लैक ऑफ असर्टिवनेस है तो वो कौन सी गोली दवाई देके ये ठीक होगा ठीक है तो थेरेपिस्ट ने कहा क्या ट्रीटमेंट दें तो उन्होंने बताया कि द चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द थेटिक सिस्टम इन विच दिन डिपेंड करता है कैसे सिस्टम में थेरेपी थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग मिली है तो हाउ एवर इवन विद इन दिस ब्रोड डोमेन द चॉइस ऑफ टेक्निक्स टाइमिंग ऑफ द टेक्निक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटकम ऑफ द थेरेपी डिपेंड द क्लिनिकल फॉर्मुलेशन अब इस एक ब्रोड डोमेन में भी कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कितने समय में उस टेक्निक को जो है यूज करके उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे उसका आउटकम क्या होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या है क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना तो जिस हिसाब की प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब का ट्रीटमेंट होगा उसी तरह का जो है टाइमिंग होगा उतना ही टाइम उसमें लगना है द क्लिनिकल फार्मन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस फार्मुल्वायर रिकल इनसाइट आर गेन्न इन द प्रोसेस ऑफ थेरेपी तो ये क्लिनिकल फार्मुलेशन जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि मान लो मैं थेरेपिस्ट हूँ मेरे पास में कोई क्लाइंट आया मैंने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और मुझे लगा कि शायद इसकी प्रॉब्लम का कारण एक्स है अब मैंने जब उसके एक्स प्रॉब्लम के हिसाब से उसको सारा कुछ समझने की कोशिश करी ठीक है तो मेरे को समझ में आया कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें तो सही हैं पर कुछ कुछ चीज़ें सही नहीं हैं तो मैंने अपनी क्लिनिकल फॉर्मूलेशन को रीफॉर्मुलेट किया और मैंने कहा नहीं इसकी प्रॉब्लम का कारण एक्स नहीं बल्कि वाई है ठीक है <coughs> तो ये धीरे धीरे समझ में आता है जैसे जैसे पेशेंट या क्लाइंट अपने बारे में बताता है जैसे जैसे हम उसके बारे में जानते हैं वैसे वैसे जो है उसकी प्रॉब्लम को हम समझ पाते हैं तो इसलिए ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आए और मैं सीधे समझ गए अच्छा ये प्रॉब्लम है चलो ये वाली जो है आपको थेरेपी दी जाएगी इससे आप ठीक हो जाओगे ऐसा नहीं होगा वो धीरे धीरे करके हमको पता चलेगा कि कितनी तरह की और क्या क्या सारी प्रॉब्लम्स हैं सो यूजली द फर्स्ट वन और टू सेशन्स ईड इनफ क्लिनिकल मटीरियल फॉर द इनिशियल क्लिनिकल फार्मुलेशन एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट साइको थेरेपी विदाउट अ क्लिनिकल फॉर्मुलेशन तो जनरली एक दो सेशंस में पता चल जाता है मतलब अच्छा खासा पता चल जाता है पेशेंट के बारे में और फिर यहाँ से जो है हम उसकी प्रॉब्लम को समझ के ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं कभी भी बिना प्रॉब्लम को जाने थेरेपी स्टार्ट करना सही नहीं माना गया है कभी भी कोई नहीं कहेगा कि बिना प्रॉब्लम को आप बताओ क्या कभी आप बिना प्रॉब्लम को जाने उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं ढूंढ सकता है ना तो सेम चीज यहां पर भी है वो भी नहीं ढूंढ सकते क्या सोल्यूशन होगा क्लियर आया समझ में कोई डाउट तो नहीं है इसमें तो ये स्टेप्स होती हैं फॉर्मूलेशन में इसमें आपको बस ये याद रखना है कि हम क्लिनिकल फॉर्मूलेशन कर रहे हैं क्लिनिकल फॉर्मूलेशन का मतलब है क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ताकि उसको थेरेपी दे सकें तो क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानेंगे तो सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी दूसरा पता चल जाएगा कि कौन सा टारगेट एरिया हमको रखना है मान लो बिहेवियर में दिक्कत है तो बिहेवियर थेरेपी देंगे माइंड में दिक्कत है तो साइको देंगे वो पता चल जाएगा फिर उसके बाद में कैसे ट्रीटमेंट दें क्या ट्रीटमेंट दें कितनी सेशंस होंगी इन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है इज़ दैट क्लियर टू यू कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें है ना बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ आपके बेसिक्स कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के चैप्टर नंबर फाइव के ठीक है तो आपको इसमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जानना है आपको इसमें टाइप ऑफ थेरेपीज़ के बारे में डिटेल में जानना है इसमें आपको जानना है कि कैसे क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें आपको जाननी है वो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है अलाइंस क्या होता है और दूसरी चीज़ टाइप ऑफ थेरेपीज़ इससे बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बाकी प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देख लो समझ लो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है और इसके बाद में चैप्टर को अच्छे से रीड करो जितना पढ़ा दिया बस उतना उससे ज्यादा का मैं आपको नहीं बोल रही ठीक है तो उतना जो है अपना कंप्लीट करके रखो और किसी तरह का कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम डिटेल में हमारी थेरेपीज को अब डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो फॉर मोर अपडेट स्टेट विद मैग्नेट बेन्स और जाते जाते एक और छोटी सी कि आप कैसे मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्स आपको मैग्नेट ब्रिन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं साथ ही साथ में मैग्नेट ब्र की ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा जो मैग्नेट ब्र की वेबसाइट है दैट इज डब्ल्यू जो कि बहुत ही ईजिली आपको गूल पर एक्सेस आप कर सकते हो इसे जैसे ही आप गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे क्लिक करते ही नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के एक सीक्वेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मैग्नेट बेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस फ्री एंड क्वालिटी कोई, नहीं लेंगे, आपको कोई नहीं बेचेंगे, सब कुछ बिल्कुल ट्विटर टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो तो फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ आपको मैग्नेट बेन्स के नोट्स बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी के साथ में फॉर मोर अपडेट्स स्टेड्यून विद मैग्नेट बेन्स थैंक यू Thank you very much.